बानी भोजपुरी देखे वाला सब दर्शक लोग के आ चुकल बानी हम ममता तिवारी और पसंदीदा प्रोग्राम ओ वुमनिया के लेके हर बार के लेखा ए बार भी लियाल बनी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री या स्टार लोग से जुड़ल हर वो ताज़ा तरीन खबर के लेके जो जनला का बाद रुवा सबके होखी बहुत खुशी। प्रोग्राम के अंत में वो दर्शक लोग के मैसेज भी बताई ले जे हर कोई भेजला अपन अपन फेवरेट स्टार खातिर तब मैसेज अंत में बताएं, लेकिन उससे पहले इंडस्ट्री या स्टार लोग से जुड़ल कुछ खास खबर लेके आई बनी तो जल्दी से डाल ली एगो नजर। भोजपुरी फिल्मों के जुगले स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ इन दिनों अपनी कई सारी फिल्मों की शूटिंग में लगातार व्यस्त हैं। छठ के मौके पर उनकी फिल्म रिलीज होगी। हाल ही में निरहुआ ने अवार्ड फंक्शन में अपनी फिल्म और अपने डायरेक्शन से कई सारे अवार्ड जीते थे, लेकिन क्या आप जानते हैं बीते दिन पहले निरहुआ अखिलेश यादव से मिलने वाराणसी पहुँचे, जहाँ समाजवादी पार्टी की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम में अखिलेश यादव के हाथों पूर्वांचल का सम्मान मिला है निरहुआ को। इस कार्यक्रम में निरहुआ समेत प्रवेश लाल यादव, संतोष पहलवान भी पहुंचे हुए थे। सम्मान मिलने के बाद निरहुआ ने खुशी भी जाहिर की थी और अखिलेश यादव के साथ अपनी एक तस्वीर भी शेयर की है। वेल, आप लोग तो जानते ही होंगे कि कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें भी सामने आई थी कि निरहुआ जल्द ही समाजवादी पार्टी से अपने गाँव गाजीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, तो खबर हो सकता है आने वाले दिनों में सच साबित हो, क्योंकि अखिलेश और यादव और निरहुआ की नजदीकियां पिछले एक साल से काफी ज्यादा बढ़ गई है। छठ पूजा के मौके पर टेलीविजन शो के माध्यम से दर्शकों का मनोरंजन करने के एक ही शो में साथ दिखने वाले वो लोग जिन्हें आप रियल लाइफ में कभी एक साथ नहीं देखे। जी हाँ, रानी चटर्जी और पवन के अलगाव के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। खेसारी और पवन भी बहुत कम एक साथ दिखाई देते हैं, लेकिन अब देखने को ये मिले तो लोगों के दिलों की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जी हाँ, इस कार्यक्रम में अभिनेता, सिंगर और टीवी प्रेजेंटर पवन सिंह, अभिनेत्री रानी चटर्जी, अभिनेता, सिंगर, टीवी प्रेजेंटर खेसारी लाल यादव, अभिनेत्री स्मृति सिन्हा, भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री निधि झा और अभिनेत्री श्यामली श्रीवास्तव, अभिनेत्री काजल राघवानी और बिग गंगा चैनल की तरफ से जय छठी मैया के साथ हमने अपने सभी दर्शकों के साथ क्षेत्र में सबसे बड़े त्यौहार का जश्न सफल पूर्वक मनाया है। जी, आपको बताना चाहेंगे बिग गंगा के जय छठी मैया में शामिल हुए लोगों का उत्साह वाकई में कमाल का था। हमारा इरादा इस तरह के कार्यक्रमों को लगातार पेश करते रहने का है, जो पूरी तरह से हमारे दर्शकों के साथ जुड़ा रहेगा। धर्म और त्यौहार दर्शकों के दिलों और धड़कनों में बसे हैं और इस तथ्य द्वारा समर्थित इस खास कार्यक्रम को एक सुनिश्चित करने के तैयार किया गया है और यह लोगों को आकर्षित करने के साथ ही उनका भरपूर मनोरंजन भी करेगा। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह अपने छठ गीतों को लेकर चर्चाओं में थे। अभी तक पवन का एक ही छठ गीत रिलीज हुआ था जिसे लोगों ने खूब पसंद किया और दूसरे गाने की डिमांड लोगों में बढ़ गई, जिसके बाद पवन ने एक नया गाना बनाया है जो मोदी जी पर है। इस गाने को आज सोशल मीडिया पर रिलीज कर दिया गया है, वो भी पवन के नए चैनल से। इस गाने का ऑडियो सॉन्ग सिर्फ 14 घंटे में 3 लाख से ज्यादा लोगों ने सुन लिया है। जितने भी लोगों ने सुना है पवन की आवाज की खूब तारीफ की है। वेल, इस गाने से पवन ने बीजेपी में शामिल होने की पूरी भूमिका निभा दी है, तभी तो उन्होंने छठी मैया से मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने की दुआ मांगी है। लेकिन पवन ने इतने मेहनत से जिसके लिए ये गाना गाया है, क्या उन्होंने इस गाने को सुना है? हम बात कर रहे हैं पीएम मोदी जी की। खैर, अगर जब भी पवन का ये गाना मोदी जी सुनेंगे उन्हें बेहद खुशी होगी। ये बात तय है कि उनकी पार्टी के लोग उन्हें तहे दिल से सपोर्ट कर रहे हैं और उनके चुनाव के प्रचार प्रसार अभी से ही उनकी पार्टी के लोगों ने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की फिल्म बलम जी लव यू के सुपरहिट होने के बाद आज एक बार फिर से उस फिल्म के लेखक सुरेंद्र मिश्रा लेकर आ रहे हैं अपनी फिल्म लाल इश्क। जी हाँ, सुनिए जरा क्या कहना है उनके इस फिल्म के बारे में। Yeah.
अगर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा ना तो सब पता चल जाएगा यार। तो मैं सोच रहा हूँ कि कहानी मतलब एंग्री यंग लड़का है, खूबसूरत सी एक प्यारी सी लड़की है, यूँ समझ लो कि लव स्टोरी है। लेकिन लव के लिए क्या ब्लड वगैरह बहुत लाल? नहीं नहीं, ब्लड लड़की को वही तो बोलना नहीं चाह रहा हूँ कि लाल इश्क है। तो समझ जाइए ना, इश्क खतरनाक क्यों है, जब ये हो जाता है तो जुनून सर पे चढ़ जाता है, फिर वो होता है ना, फिर वो हासिल करने के लिए उसको। हाँ जी, सिनेमा में भोजपुरी सिनेमा की लैला यानी कि काजल राघवानी ने आज सोशल मीडिया पर अपनी खूबसूरत तस्वीर शेयर की है। जिस तस्वीर में काजल राघवानी ने साड़ी पहनकर नाक से लेकर मांग तक अपना सिंदूर टेक रखा है और सभी से ही काजल राघवानी ने दर्शकों को अभी से ही छठ पूजा की बधाई दी है और काजल ने अपना ये लुक छठ पूजा के गीत के लिए तैयार किया है। वेल, आप लोगों को हम बताना चाहेंगे, काजल राघवानी ने इस छठ पूजा के खास दिन के मौके के लिए अपनी पहली बार अपनी ही आवाज़ में गीत भी लेकर आ चुकी हैं और भले ही काजल राघवानी गुजरात की रहने वाली हैं लेकिन अब वो बिहार पूर्वांचल के लोगों के साथ साथ खेसारी लाल यादव के साथ वो इतना घुल मिल चुकी हैं कि अब वो बिहार के सभी पर्व को काजल राघवानी धूमधाम के साथ मनाती हैं। वाले समय पर तो काजल राघवानी जो छठ पूजा के गीत लेकर आई थी वो ऑडियो सॉन्ग था लेकिन अब काजल अपने इन गीतों का बहुत जल्द वीडियो सॉन्ग लेकर आने की तैयारी कर रही हैं। भोजपुरी सिंगर खुशबू जैन ने हाल ही में खेसारी अक्षरा की एक फिल्म बलम जी लव यू में एक गाना जी हाँ धोखा देती है में अपनी आवाज दी लेकिन इसी के साथ इस गाने के सुपरहिट होने के बारे में क्या कहा खुशबू ने, सुनिए जरा बाइट। गाना एक बहुत पॉपुलर है, बहुत ज्यादा उसके व्यूवर्स हैं, 2 करोड़ से भी ज्यादा हो चुके हैं। धोखा देती है, आप सभी जानते हो। यस, दैट्स आवर मदर टंग, हमारे मातृभाषा है, मेरी भी। तो अच्छा है, बहुत अच्छा गाना आपने बनाया है अनुज जी ने और आपने लिखा है। वो बलम जी का जो मैंने अभी जिक्र किए, बलम जी लव यू, ओम झा जी के साथ हम घर पे बैठे थे तो हम लोगों ने सुना तो एक बार मुझे लगा कि यार हिंदी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। तो डायरेक्टर थे प्रमांशु जी, बोले चलो प्रयोग करते हैं ना, तो हम लोगों ने 2 गाना रखा, इतना अच्छा लगा ना तो फिर हमने टाइटल सॉन्ग एक और गाना रखा, सुफियाना सॉन्ग। तो थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई डोज दो, ऐसा नहीं है कि हमारी भोजपुरी ऑडियंस पढ़ी लिखी नहीं है, वहाँ भी व्हाट्सएप है, वहाँ भी फेसबुक है, वहाँ भी आज लोग जींस पहनते हैं, तो थोड़ा सा उनको थोड़ा थोड़ा डोज दे। आज के एक खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही, चले के समय हो चुकल बा लेकिन जाए से पहले एगो मैसेज बता दे तनी जे रजनी के हो। रजनी लिखा तारी पवन सिंह खातिर कि पवन सिंह की बॉडी हमें बहुत पसंद है, पवन सिंह की पर्सनैलिटी हमें बहुत पसंद है। अगर सुन रहा बाड़े पवन त रजनी का मैसेज पर गौर जरूर फरमाए, मैं रजनी के मैसेज करे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही, कल है फिर होके मुलाकात ऐसा नहीं इंडस्ट्री या स्टार लोग से जुड़ल ताजा तरीन खबर का साथ, लेकिन तब तक खातिर हम रखे दी है इजाजत, प्रणाम। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें।